नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग यूथ और अब वक्त हो गया है दिन भर की कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानने का। चलिए डालते हैं एक नजर। बग्गा को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक होगी रोक। पंजाब के मोहाली में सोमवार देर शाम पुलिस की इंटेलिजेंस इकाई के मुख्यालय की बिल्डिंग पर रॉकेट से हमला हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली है। चक्रवात आसनी को लेकर सरकार बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी किया जा चुका है। इसके बाद हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई सहित 10 उड़ानें चेन्नई हवाई अड्डे पर रद्द कर दी गई। यात्रियों को इसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है। मुरादाबाद मंडल के कुछ स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्टेशन मास्टर के ऑफिस में एक पत्र मिला जिसमें लिखा है, बरेली और मुरादाबाद मंडल के कुछ स्टेशन को 21 मई को बम से उड़ा दिया जाएगा। पत्र में हरिद्वार सहित कई रेलवे स्टेशन के नाम लिखे गए हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत में ड्रोन से घुसपैठ कर हीरोइन गिराई है। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया, लेकिन एक दूसरा ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गया। बरामद हीरोइन की कीमत करीब 74 करोड़ बताई जा रही है। बीएसएफ के जवानों को कल रात करीब 11:15 बजे फेंसिंग के ऊपर से ड्रोन की आवाज दी। सर्च करने पर एक हैजा कॉप्टर ड्रोन और एक बैग मिला जिसमें 10 किलो हीरोइन थी।